फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ब्लॉग चैनल घुमक्कर में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जाने वाले हैं पटना म्यूजियम। बेसिकली तो पटना में तीन म्यूजियम है, पहला है बिहार म्यूजियम, दूसरा पटना म्यूजियम और तीसरा गांधी म्यूजियम। एक एक करके हम लोग तीनों म्यूजियम पे सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे लाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे हम लोग लाते रहते हैं। और अगर आप अपने भाई को इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, अगर आप गांधी मैदान से होते हुए आते हैं तो गांधी मैदान से पुलिस लाइन और पुलिस लाइन से लोधीपुर बुद्ध मार्ग में हमारा म्यूजियम है। तो लोकेशन में आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस दिया हुआ है, वहां से भी आ सकते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और चलते हैं अभी टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये जो खुलने का समय है और बंद होने का समय वो क्या है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं और पहले टिकट काउंटर पे टिकट लेते हैं। यहाँ पे है टिकट का विवरणी, आप अगर आते हैं तो किस किस चीज़ का क्या क्या टिकट है यहाँ पे। और सर, ये खोलने का समय और बंद होने का समय सर बता दीजिएगा एक बार। 10:30 से 4:30। अच्छा, सो टिकट हम लोगों ने ले लिया है और अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर। और जो भी देख रहे हैं यही है पटना म्यूजियम, जैसे यहाँ के स्थानीय लोग जादूघर भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे है तोप, जो पुराने समय से रखा हुआ अभी तक, लेकिन अंदर जाना मना है। यहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, वही सिर्फ अंदर जा सकते हैं। और काफी अच्छा अंदर उद्यान भी है। तो इसका निर्माण 1917 में अंग्रेजी शासन में हुआ था और काफी पुराना म्यूजियम है ये। 1764 से लेकर के अभी तक में जितने भी अवयव यहाँ पे रखे गए हैं और इससे पहले के जो भी हैं वो बिहार म्यूजियम में संग्रहित किए गए हैं। तभी हम लोग चलेंगे अंदर और देखेंगे कि किस तरह के यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो संग्रहित की गई हैं। तो अभी हम लोग हैं अंदर और जैसे ही अंदर आते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे आपको पूरे बिहार से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन सभी चीज़ों की एक झलक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तरह तरह की तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय का है फोटो। पूरे इंडिया में कितनी तरह की तितलियाँ पाई जाती हैं उनको यहाँ पे संग्रहित किया गया है अच्छे से। सभी का नीचे नाम भी दिया गया है। अच्छा, मतलब जितने भी ये सब जो है जो लगाया गया है यहाँ पे भैंस है, जंगली भैंस है, वहाँ पे वो टाइगर का है, ये सब का सब रियल है लगाया गया। तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं जो अंदर रख रखाव करते हैं और ध्यान देते हैं, तो उनसे हमें ये पता चला है कि ये जो आप देख रहे हैं ये जंगली भैंस, ठीक है, जिसको मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये बिल्कुल रियल है। जो भी खाल दिख रहा है आपको वो खाल बिल्कुल रियल है। अंदर कुछ होगा, कुछ भी मटेरियल अंदर हो सकता है, बट जो भी बाहर से जो भी आपको दिख रहा है, जो स्किन है इनके, ये बिल्कुल रियल है।
दीर्घा। अभी हम लोग एनिमल दीर्घा में घूम रहे थे और अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे किस तरह की चीज़ें हैं लगाए हुए यहाँ पे। सो काफ़ी अंग्रेजों के टाइम का ये काफ़ी अभी तक संग्रहित किया गया है और काफ़ी अलग अलग तरह के यहाँ पे हमको जानवर देखने को मिले हैं। हाँ, ये जो आर्ट गैलरी है ये बापू जी की यानी कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। गजब बेइज्जती है। आर्ट गैलरी में तरह तरह के यहाँ पे आपको आर्ट देखने को मिलेंगे। सीरियसली मैं अगर यहाँ पे नहीं आता तो बहुत ज़्यादा पछताता। हमारे नज़दीक में ही इतने अच्छे संग्रहालय हैं और हमें पता तक नहीं है। और मैं अगर सच बोलूँ तो मैं अपने पूरे लाइफ में ये जो म्यूज़ियम है ये पहली बार आ रहा हूँ। तो गाइस ये था आर्ट गैलरी। अभी हम लोग एनिमल गैलरी से निकल कर आर्ट गैलरी में आए हैं। अब आर्ट गैलरी से निकल कर देखते हैं और भी कौन सी जगह जाते हैं, तो भी आगे चलते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर और ऊपर के दीर्घाओं में देखते हैं कि क्या क्या खास चीज़ें हैं। और भाई भूख तो लग चुकी है बहुत तेज़। अब यहाँ से निकलने के बाद तो जाएंगे, पहले खाना पीना खाएंगे कुछ। और ये जो है वो धातु कला दीर्घा यानी मेटल आर्ट गैलरी है। तो चलिए अंदर और देखते हैं किस तरह के मेटल अंदर लगाए गए हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है मास्क, तरह तरह के मास्क हैं और ये सभी मेटल के ही हैं। और ये है ब्रास बर्ड, ये है ब्रास फिश और यह भी है ब्रास बर्ड। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक से एक चीज़ देखने को मिलेंगी। अपने इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको यहाँ पे जरूर से एक बार आना चाहिए। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे संग्रहित की गई हैं। तो भाई अक्सर बच्चे लोग को लोग बोलते हैं लड्डू गोपाल, तो ये है लड्डू गोपाल जो लड्डू खा रहे हैं। समझ सकते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। दिखाने के लिए, लेकिन अगर मैं आगे कंटिन्यू रखता तो वीडियो काफी लंबा हो जाता, इसलिए पटना म्यूजियम पार्ट 1 हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप यूं ही हंसते रहिए, खुश रहिए।